नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका मित्र दीपक बोल रहा हूँ और मैं आज आपको एमआई की टीवी के बारे में, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं उसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा और कैसे एमआई टीवी को आप इंटरनेट से कनेक्ट करके आप पूरी तरह से मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट कैसे करेंगे और कैसे इन्जॉय करेंगे उसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी एम आई टी वी हो गई, तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैंने होम स्क्रीन का बटन प्रेस कर दिया है एम आई टी वी की। तो आप देख सकते हैं जैसे कि होम स्क्रीन आ चुका है और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका टीवी में इंटरफेस आएगा। यदि आपको टीवी आपने अपडेट कर रखा है अपनी एमआई टीवी को, तो इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा और इस तरह से आप इंटरनेट कर कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं हॉटस्पॉट अपने मोबाइल से ऑन कर देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा, तो आपको ये सेटिंग में जाना है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि आपके इसमें सेटिंग्स के ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ और इसमें जैसे आप आएंगे तो ओके प्रेस करेंगे, तो मैंने ओके प्रेस किया है। तो आप जैसे इसमें सेटिंग्स में आएंगे और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि मैं टीवी के सेटिंग्स पे आ चुका हूँ और इसमें आपको किस तरह इस तरह इंटरफेस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका इंटरनेट नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है, इनपुट आ रहा है, एक्सेस सिंगिन आ रहा है, ऐप्स आ रहा है, डिवाइस परफॉर्मेंस आ रहा है और रिमोट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट मोबाइल से कनेक्ट करना है तो आपको हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। जैसे मैंने कर दिया हॉटस्पॉट ऑन, इसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है। तो आप देख सकते हैं रेडमी के 20 प्रो है मेरा, तो रेडमी के 20 प्रो का मेरा आ रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो डला हुआ है सेटिंग्स में, तो आप सबसे पहले इसमें फॉरगेट करेंगे। तो फॉरगेट करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि आपका जो इसमें हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो मैं इंटर कर देता हूँ, इसमें मैंने पासवर्ड डाल के रखा हूँ 1 से लेके 9 तक। तो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको 9 तक मैंने पासवर्ड डाल दिया है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 9 तक मैंने पासवर्ड डाल दिया है। फिर इसके बाद मैं इसमें जाऊँगा और इसमें जाने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, तो मैं इसको ओपन कर ओके कर दूंगा। और ओके करने के बाद इस तरह कुछ कनेक्टिंग का ऑप्शन आएगा और देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट तो सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डाटा सेविंग का ऑप्शन भी मिलता है। यदि आप कभी वीडियो वगैरह भी देखते हैं और यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको डाटा सेविंग ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, जो कि ज़्यादा डाटा यूजेस नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है सेटिंग्स में, तो इसमें आपको डिटेल्स में क्लिक करना है। जैसे ही डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा कि डाटा सेविंग आपको कितने में करना है, 100 MB, 500 MB और 1 GB में रहेगा। तो मैं अभी ऑफ करके रखा हूँ और इसके बाद बैक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह कुछ इंटरफेस आता है आपका और इंटरनेट कनेक्ट करके आप इंजॉय कर सकते हैं सभी चैनलों को और इसमें यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हैं, गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। और एमआई का यदि आपके रिमोट से ये एमआई का ऑप्शन का बटन का प्रेस करते हैं तो आपका कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ आएगा। ये मैं किड्स का ऑप्शन करके रखा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे आपके कार्टून्स के ऑप्शन आएंगे। तो आप ऐसे इंटरनेट को कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करना है तो उसी के बारे में मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यही एक छोटा सा अपडेट देना था। तो वीडियो देखने के सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।